दिल्ली नहीं देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। तिहाड़ जेल में कैद कैदियों से भारी संख्या में मोबाइल और नुकीले हथियारों की बरामदगी हुई है, जिससे जेल प्रशासन के इस सर्दी के मौसम में भी पसीने छूट गए। दिल्ली ही नहीं देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि तिहाड़ जेल में कैद कैदियों से जो संदिग्ध चीजों की बरामदगी हुई है उसने जेल प्रशासन के सर्दी के मौसम में भी पसीने छुटा दिए और जेल प्रशासन ने खुद इन संदिग्ध चीजों की बरामदगी कर अपनी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चलिए बताते हैं कि आपको पूरा माजरा क्या है। दरअसल कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल में कैदी की दूसरे कैदियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद उस कैदी के कुछ साथियों ने जेल के अंदर से अपनी कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की और तिहाड़ प्रशासन के ऊपर अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके बाद जेल प्रशासन में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जेल के अंदर मोबाइल कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके बाद तुरंत कैदियों की तलाशी अभियान के लिए तिहाड़ जेल नंबर 1 के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट दीपक शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट दीपक शर्मा ने अपनी टीम के साथ जेल नंबर 1 में तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान दीपक शर्मा की टीम ने कैदियों के पास से न केवल भारी संख्या में मोबाइल बरामद किए बल्कि बड़ी संख्या में नुकीले हथियार भी बरामद किए। हथियारों में कई पेचकस, नुकीले सरिये, चाकू और नुकीले सुए बरामद किए गए। इन नुकीले हथियारों के जरिए कैदी अपने दुश्मन कैदियों के ऊपर जानलेवा हमला करते और कई बार जेल के अंदर कई हत्याओं के मामले भी सामने आ चुके हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, ये सारा सामान महज जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 10 से बरामद हुआ और अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पूरे जेल में अगर इसी तरह तलाशी अभियान चलाया जाए तो इस तरह के कितने नुकीले हथियार और मोबाइल बरामद होंगे। जाहिर है तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट दीपक शर्मा के नेतृत्व में की गई छापेमारी सफल रही और दीपक शर्मा की टीम ने कैदियों के पास से इतनी भारी संख्या में संदिग्ध सामान बरामद किया। लेकिन इस सामान के बरामद होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल और ये नुकीले हथियार जेल के अंदर तक कैसे पहुंचे। दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।